भूमिपुत्र दिलीप मालवणकर जी की एजुकेशन? मेरी एजुकेशन बीकॉम और एलएलबी है। एलएलबी की डिग्री मैंने ली है लेकिन सनद नहीं ली है क्योंकि मुझे प्रैक्टिस में रुचि नहीं थी। तो जो रुचि नहीं थी तो कहीं आपने जॉब किया उस समय, कोई व्यवसाय से जुड़े आप? कोकण भवन के जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है वहाँ पर मैंने स्टेनोग्राफर का जॉब किया। कोंकण भवन का पीडब्ल्यूडी यानी सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी। फिर वो सरकारी नौकरी निरंतर आपने जारी रखी? नहीं, सरकारी नौकरी मैंने 7 साल की, लेकिन उस वक्त मेरी पत्रकारिता में बहुत बड़ी पहचान थी और बहुत बोलबाला था पूरे जिले में, शहर में और महाराष्ट्र में। तो मेरी सरकारी नौकरी इस पत्रकारिता में आड़ आ रही थी और मेरे सामने की चारा था कि भाई नौकरी या पत्रकारिता। तो जो मेरी सरकारी नौकरी थी, परमानेंट जॉब था, क्लास 2 की पोस्ट थी वो, जनरल स्टेनोग्राफर की, वो मैंने एक झटके में छोड़ दी और पत्रकारिता में पूरा टाइम दिया। तो पत्रकारिता में सर जिस समय आपका नाम का बोलबाला था, इतनी जो आए, इतनी इनकम थी कि घर परिवार चले? आपका किसी राजनीतिक पार्टी में अगर सक्रियता देखी जाए तो शिवसेना ही है या और कोई पार्टी भी? शिवसेना है, हमारा श्वास है जी, और आखिरी मरते दम तक शिवसेना ही रहेगी। सर, डस्टबिन के उस इशू पर आंदोलन करना और जगह चुनना शमशान भूमि के बाहर, और कभी तो अर्थी भी निकालना, ये कैसे आपके मन में आ जाती है? निराला तरीका होता है आपका, अनोखा तरीका होता है आंदोलन। क्या है, हम पब्लिसिटी पे विश्वास नहीं रखते। मैं कभी भी पब्लिसिटी के पीछे नहीं जाता हूँ, पब्लिसिटी मेरे पीछे आती है, मीडिया मेरे पीछे आती है। उल्हासनगर महानगर पालिका, उल्हासनगर महानगर पालिका भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा अड्डा।